गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी मुझे जाना था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन बारिश हो गई है एंड नीचे उस साइड बहुत कीचड़ भी रहता है, अजीब सा भी रहता है, तो अब वेट ही कर लेती हूँ यार बारिश बंद होने का, है ना। हम लोगों ने क्या करा कि कल जो है किचन रात को ही साफ़ कर लिया था और थोड़ा अब ऐसा जगमग जगमग मुझे तो अच्छा लग रहा है, लाइट थोड़ा बढ़िया आ रही है ना। और हम लोगों ने अपने लिए काम बढ़ा दिया है, अब हम लोग जो है थोड़ा बाहर का भी करा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी मिल गए तो मिल गए पेंट वाले, उसके बाद तो मतलब बहुत बिजी हो जाते हैं एंड मिलते नहीं है कोई भी। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करा है कि थोड़ा बाहर का भी करा ही लेते हैं जब हो ही रहा है काम ना। तो अभी मुझे जाना था सामान लेने के लिए पर बारिश तो रुक ही नहीं रही है। तो आ गई मैं घर और मैं लेके आई हूँ शेड कार्ड। ये तो यहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कलर, मतलब वैसे तो सेम ही करेंगे बाहर क्योंकि बहुत आफत आ रही है चेंज करने में, बट फिर भी देख लेंगे लगभग उसी से मिलता जुलता। और फिर भैया लेके आ जाएंगे घर में, बता देंगे हम नंबर उसका ना। एंड मैं टाइम बताने वाली थी लेकिन हमारे घर में यार घड़ी में सॉरी सेल जो है ख़राब है, तो उसमें सेल भी डालना है अभी, वो 12 बजने में जो है 10-15 मिनट ही है अभी उसमें। तो जो हमारे पेंटर साहब हैं वो ना अपनी टी शर्ट लेके आए नहीं, मतलब जो पेंट वाले कपड़े वो लेके नहीं आए, तो मैं उनके लिए टी शर्ट देख रही हूँ। तो हम उनको देंगे ये वाली टी शर्ट पेंट करने के लिए ताकि जल्दी काम हो जाए ना हमारा, वरना वो एक लगा हुआ है एक थोड़ा ऐसे घिस रहा है। हाँ घड़ी बंद है और आपका बन रहा है यहाँ पे अभी लंच, ब्रेकफास्ट तो मैंने करा नहीं, आप लोगों ने खा दिया होगा ना ब्रेड वगैरह, वेरी गुड। और किचन में घुस के थोड़ा एक अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब बढ़िया लग रहा है यार, अब थोड़ा मैच का लग रहा है। बस वो थोड़ा उसने वहाँ गिरा दिया, उसको साफ़ करना है। और हाँ यार अच्छा लग रहा है ना, वैसे अलग लाइट आ रही है। अभी करूँगी मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, तो आज हम खाएंगे लौकी का साग एंड भात। तो भाई हमारा लंच भी हो गया है और वो लोग भी चले गए लंच पे, और अभी जो है बारिश नहीं आ रही है, हल्का हल्का मतलब धूप जैसे हो रही है, तो अभी वो लोग हैं नहीं, जिस टाइम वो काम कर रहे थे उस टाइम बारिश हो रही थी। एंड मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, मैं दिखाती हूँ, इतने सुंदर आ रखे हैं ना बादल यहाँ पे, ये देखो ये बादल जो है ऐसे आ रखे हैं यहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा है ना सामने से देख के, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, वाह लग रहा है ना, छत से देख के आती यार एक बार। छत में आ गई हूँ और पीछे जो है बादल, अब वो थोड़ा ऊपर ऊपर चले गए, उस टाइम तो बहुत अच्छे लग रहे थे यार। एंड जैसे मैं छत में आई हल्की हल्की जो है बारिश की बूंदी भी आ गई। एंड मेरा बेबी को मैंने यहाँ बंदर कहा है क्योंकि वो डिस्टर्ब ना कर दे वहाँ काम के लिए ना। हो गया बेटा हो, अरे बहुत बदतमीज है यार ये, ऐसे क्यों करता है मेरे साथ। तो अब शायद से वो लोग आ गए हैं, थोड़ा सी उनको बता देती हूँ क्या क्या करना है, वरना वो पता नहीं क्या क्या करते रहे। चलो भाई निपट गया नीचे का फ्रंट साइड, तो मतलब मुझसे रहा ही गया यार, मैंने कहा जल्दी निपटा देते हैं, फालतू का स्लो स्लो लगे होते तो निपटा दी। क्या हुआ ये सारे गमले घूम रहे उधर, बारिश आने लग गई क्या, आ रही बारिश। पेंटर बाबू हमारे पवन भैया, हाँ और ये इसका नाम शानू है, हेलो शानू। इस बार भैया मेरे नाम के लड़के को ही लेके आए हैं पेंट करने के लिए हमारे घर में। निकी को बोल तेरे गमले, मम्मी तुझे कुछ बोल रही है निकी, बोलो। अरे तेरे गमलों को यहाँ खिसका के मेरे हाथ में दर्द हो गया तब से। सुन लिया तूने, अपने गमले अपने साथ लेके चल रही हो बरसात, दिमाग खराब हो रहा मेरे गमलों को देख देख के, ये सारे के सारे भगवान। हाँ गमले, इतना हमारा सामान भी नहीं रहता खिसकाने के लिए जितना इस निक्की के गमले रहते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली अभी, तो निक्की बोलती कि अपनी तारीफ खुद ही, मैंने कहा हाँ यार जब कोई करता नहीं तो खुद ही तो करनी पड़ती है फिर अपनी तारीफ, है ना। हाँ अब नानी को भी अच्छा लग रहा है किचन, क्या बोल रहे थे अब क्या हुआ। अरे मैंने रेगुलेटर बंद कर रखा ना यार, हाँ ये गैस चल रही है,
अच्छा रेगुलेटर बंद है फिर भी गैस चल रही है, चल रही है। तो भाई ये कब से हुआ ही काम? मैं तो मेरे को तो पहले से पता चल रहा। तो कहीं पहले से तो नहीं होता था ऐसे कहीं? कुछ गड़बड़ मत नहीं। हाँ हाँ नानी, कल हमने शिफ्ट करा था ना उधर अंदर कमरे में, और तब से ऐसा हो गया ये कि रेगुलेटर बंद करके भी जो है गैस चल रही है। दिखाओ तो सही कहाँ है वो, ऐसा भी होता है क्या? और ये गैस चल रही है इधर, पहली बार देख रही हूँ। मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ ऐसे तो। हाँ चाय बन रही है अभी उनके लिए, वही तो। चलो भाई अब चलते हैं किचन की तरफ, और आज मम्मी ने जो है आलू उबाले हैं, एंड देखते हैं कि क्या बनाएंगे। मम्मी क्या बनाना है? जो बनाती बना रहे, अब क्या बनाओ बता तो दो, क्या खाने का मन है मेरी मम्मी और उनकी मम्मी का है? सुन रहे हो तुम? आलू पराठे बना देगी इनको इस टाइम पे। हाँ वैसे इजी पड़ता है ना, बनाई देती हूँ। चलो भाई हो गया डिनर रेडी, और मैंने अपने लिए पराठे नहीं बनाए, मतलब आलू की भरी रोटी बोल सकते हैं, ऊपर से घी डाल के खाऊंगी मैं, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा पराठे पराठे अच्छे लगते हैं ना इसलिए। और यार दही वही के साथ मेरा बहुत मन है खाने का, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एलर्जी की, और अचार भी नहीं खा सकती। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं खा सकती। तो जी मेरा डिनर तो हो गया है, और अब मैं कुत्तों के लिए, अपने डॉगिस के लिए जो है खाना लेके जाती हूँ। शोना बेबी तो ये है, नमस्ते बेबी। शोना बेबी ने खाना खा लिया है, चलो मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, कालू मोटू को देने जा रही हूँ, आप यहीं रहो। नो हाँ यहीं रहो, चलो लॉक लगा देंगे। टिक्कू टिक्कू आज नहीं जाएंगे, ठीक है आज? नो बेबी नो। बाय डोरा, कहाँ है दिख रही है क्या? बाहर है, डोरा को बाय कर दो। ठीक है चलो बाय। चलो नहीं नहीं आज नहीं बेटा आज नहीं, चलो लाइट्स ऑफ कर देंगे और चलो ऊपर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर। नीचे ही खड़ा हो गया वो, गाली दे रहा होगा, बोल रहा होगा आज क्यों लेके जा रही मुझे घुमाने के लिए। और अभी क्या हुआ कि एक लड़का आया, कोई मतलब कोई लड़का आदमी जो भी था बाइक में आया, और मैं सोच रही मतलब ये ना वहाँ जा रहा है, हाँ ना मैंने कहा ये वापस जा रहा है, फिर आगे भी आ रहा है, कर क्या रही है। फिर उस वो रुका, फिर उसने बोला कि बाहर जाने का रास्ता गया, तब मैंने उसको बाहर जाने का रास्ता बताया, मैंने कहा ये कर क्या रहा है, ऐसे डरा क्यों रहा है मुझे। उस पर था वो, बाइक में था ना वो, मैंने सोचा पहले कि कोई डिलीवरी मैन आया होगा क्योंकि आते रहते हैं ये। फिर मैंने कहा इसके उसमें डब्बा डुब्बा भी नहीं दिख रहा कुछ, फिर उसने हेलमेट भी काला पहना भी काला था, मैंने कहा कोई चोर चूर तो नहीं आ गया। जी यार कैसे कैसे वो हो जाता है ना कभी कभी सीन। फिर वो रुका, उससे बोला कि बाहर जाने का रास्ता क्या, उसको मिला नहीं शायद से रास्ता ना, पता नहीं कौन था जो भी था, अंधेरे में दिखा भी नहीं, और तो और अंधेरा भी था, और तो और उजाला होता तो देखते भी अंधेरा भी था, तो ज़्यादा नहीं पता चला कि वो क्या रहा है, पर चलो हो जाती है ऐसी कॉमेडी भी कभी कभी। सोने से पहले एक बार इसको बोल देती हूँ, टिकू सुन सुन रहे, इन सबको नहीं छेड़ने का, सुन रहे ना? हाँ चल बेटा गुड नाइट, गुड नाइट कुची पुची गुड नाइट। चुपचाप से सोना है और छेड़खानी नहीं करनी है इन गमलों के साथ, ठीक है? सुन रहे? सुन के सरा देखना, सुन रहे? सुन रहे ना? ले सुन रहे? चल नीनू करो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बेबी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक ला वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, लव यू ऑल।